हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। अभी ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके बारे में बनाया हुआ है कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसका लिंक मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है उसके अंदर ऑल डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके अंदर क्यों बेसिकली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि बेसिकली इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स फंड ये होते हैं कि वो अंडरलाइंग जो इंडेक्स होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, उसके जो भी स्टॉक्स है उसका मिरर इमेज में करते हैं कंपोजिशन पोर्टफोलियो का। तो जो इंडेक्स फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो एग्जैक्टली जो अंडरलाइंग इंडेक्स होती है उससे सिमिलर होते हैं या उससे जस्ट थोड़े कम होते हैं। तो इंडेक्स फंड कैसा है कि पैसिवली मैनेज फंड बोलते हैं, उसको एक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब फंड मैनेजर का जो जॉब होता है वो सिर्फ उतना ही होता है कि उसको जो स्टॉक मार्केट के जो पोर्टफोलियो है उसकी मिरर इमेज करनी है, ठीक है। तो अभी कैसा है कि इंडेक्स फंड जो है वो यूएसए के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। तो यूएसए के अंदर ये इंडेक्स फंड क्यों पॉपुलर है बेसिकली, तो उसका मेन रीज़न ये है कि यूएसए का मार्केट डेवलप मार्केट है और ये इंडेक्स फंड है वो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। मतलब कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, मतलब एन्यूअल जो इसका सर्विस चार्ज या तो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट बोलते हैं, वो बहुत ही नॉमिनल होता है। तो इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज फंड, तो उसकी वजह से कैसा है कि जो इफेक्टिव रिटर्न जो होता है इन्वेस्टर्स के हाथ में आता है वो ज़्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज फंड। और दूसरा कैसा है कि अगर स्टडी देखे जाए तो यूएसए के अंदर लास्ट 10, 20 या 30 ईयर्स का जो डेटा है उसके अंदर 90% से ज़्यादा जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो अंडरलाइंग जो इंडेक्स होता है, जैसे कि वहाँ का S&P 500 इंडेक्स है, वो उसको भी सिर्फ बीट करने में नाकाम हुए हैं। तो जबकि अगर आप देखा जाए तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो बेसिकली आपको एक एश्योरेंस ये देते हैं कि एटलीस्ट आप इंडेक्स जितना परफॉर्म करेगा, जैसे कि सेंसेक्स है या तो निफ्टी है या तो यूएसए में S&P 500 है, उतने उस हिसाब से वो रिटर्न देगा, ना ही ज़्यादा ना ही लेस। तो यूएसए के अंदर ये इंडेक्स फंड है वो इसीलिए पॉपुलर हो गए पास्ट 1, 2, 3 डिकेड्स के अंदर कि वो बेसिकली जितने एक्टिवली मैनेज फंड से उससे ज़्यादा रिटर्न देने लगे। क्योंकि कैसा है कि एक्टिवली मैनेज जो फंड होते थे उसके फंड मैनेजर को उसका पोर्टफोलियो रीशफल करना पड़ता था और उसके अंदर और प्लस एक्टिवली मैनेज होते थे इसलिए उसका जो एक्सपेंस रेशियो जो होता था एन्यूअल फंड मैनेजमेंट कॉस्ट वो पैसिवली मैनेज जो ये इंडेक्स फंड होते थे उससे ज़्यादा होता था। तो इसीलिए ओवरऑल इफेक्टिव रिटर्न जो होता था वो कम हो जाता था। इसीलिए एक्चुअली यूएसए के अंदर ये इंडेक्स फंड है वो पास्ट 2 या 3 डिकेड के अंदर बहुत ही पॉपुलर हो गए। अभी ये आप देखें तो ये मॉर्निंग स्टार डायरेक्ट एसेट फ्लो का एक चार्ट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2007 से इन्वेस्टर्स लोग जो है उन्होंने ज़्यादा पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हैं और एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर से ओवरऑल जो रहा है वो आउटफ्लो ज़्यादा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने 2007 से लेके 2017 तक का ये जो स्टडी है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये रेड मार्क है वो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड का जो इनफ्लो रहा है वो पॉजिटिव रहा है, जबकि एक्टिवली मैनेज फंड जो है उसका जो ओवरऑल कैश फ्लो इनफ्लो रहा है वो नेगेटिव रहा है। नेगेटिव इनफ्लो उसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल पैसे उसमें से बाहर जा रहे हैं और इंडेक्स फंड के अंदर कंसिस्टेंटली जो ये मनी है वो अंदर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसका मतलब ये होता है कि यूएसए के अंदर तो एटलीस्ट इंडेक्स फंड्स बहुत ही पॉपुलर है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि तो इंडिया के अंदर क्या है। तो बेसिकली देखिए, एक वॉरेन बफेट ने एक अपना जो कंपनी का जो एनुअल लेटर जो भेजा था डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, तो वो उसमें ऐसा उसने लिखा था कि द कमीशन दैट यू पे ऑन द म्यूचुअल फंड्स ओवर ए टाइम होराइजन ऑफ 15, 20, 30 ईयर्स एड्स अप टू ए लॉट ऑफ मनी। तो ये वॉरेन बफेट का ये जो लीजेंडरी इन्वेस्टर है उसका ये है मानना कि भले ही आपको आज 2 या 2.5% पर एनम जो है वो फंड का एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, लेकिन ओवर द ईयर्स ऑफ 10, 20, 30 ईयर्स जैसे जैसे आपका वेल्थ ग्रो होता है उसके ये 2 to 2.5% है। तो ये सब एड जब होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो वॉरेन बफेट ने उसके एन्यूअल शेयर होल्डर का जो लेटर है उसके अंदर बताया गया है। तो अभी कैसा है कि अभी इंडिया के सीनारियों में आ जाते हैं। तो इंडिया के सीनारियों के अंदर आज के डेट में
सिचुएशन क्या है। हम यहाँ पे इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स फंड इक्विटी फंड है, तो उसको हम यहाँ पे एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इंडिया के अंदर ये सिनेरियो है कि एक्टिवली मैनेज जो फंड्स है उसका 2 से 2.5% पर एनम आज के डेट में एक्सपेंस रेशियो है, मतलब कॉस्ट। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो एक साल के बाद एक्चुअली 2500 रुपीज वो एक्सपेंस रेशियो की तरह कट हो जाता है। अगर 10 तो एवरी ईयर आपका जो इतना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से 2 to 2.5% कट हो जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया हो जाता है तो वो जो 11th ईयर है उस पर मतलब 2.5 लाख रुपीज कट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका वेल्थ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये अमाउंट जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। जबकि इसको कंपेयर करते हैं यूएसए के एक्टिवली मैनेज फंड के साथ, तो एवरेज यूएसए के एक्टिवली मैनेज जो फंड्स है उसमें जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होती है वो 0.5 to 1% पर एनम होती है। अभी ये जो डेटा मैंने लिया है वो इन्वेस्टोपीडिया से लिया है, जिसका लिंक मैं नीचे बिलो डिस्कशन जो है बिलो जो सेक्शन उसके अंदर मैं रेफरेंस की तरह दे रहा हूं, तो वो आप स्टडी करके देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस जो यूएसए के जो म्यूचुअल फंड का क्या है फंड मैनेजमेंट। अभी इसके सामने अगर इंडिया के इंडेक्स फंड या ETF देखते हैं, ETF भी इंडेक्स फंड ही माने जाएंगे, तो उसका जो एवरेज आज के डेट में फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 0.10 से लेके 1.25% के बीच में है। जबकि यूएसए के अंदर जो एवरेज जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है इंडेक्स फंड को मैनेज करने का वो 0.20% पर एनम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस होता है। सपोज ये एवरेज 1% ले लेते हैं यूएसए के फंड का फंड मैनेजमेंट कॉस्ट एक्टिवली मैनेज कॉस्ट, तो उससे 5 times कम हुआ है ये 0.20 और ये 1%, और यहाँ पे इंडिया के अंदर 2% लेते हैं और यहाँ पे एवरेज 0.50-0.60% लेते हैं तो भी 4 times एक्चुअली कम होता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि एक्टिवली मैनेज फंड कहीं पर भी इंडिया या तो यूएसए है उसका चार्ज थोड़ा हायर रहेगा, क्योंकि फंड मैनेजर को एक्टिवली इंडेक्स को बीट करना है, प्लस वो ऑब्वियसली बहुत सारे केस में फंड मैनेजर करते ही है बीट, तो इसीलिए इसका जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। जबकि जो इंडेक्स फंड या तो ETF होते हैं वो पैसिवली मैनेजमेंट फंड बोलते हैं हम, उसको सिर्फ इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उसको मिरर ही करना है पोर्टफोलियो में, तो इसलिए इसका फंड मैनेजमेंट जो कॉस्ट है वो 4 से 5 times कम होता है। तो अभी देखते हैं कि ये मिस्टर धीरेंद्र कुमार है, इनका इकोनॉमिक टाइम्स में अभी फेब्रुआरी में रिसेंट में ही एक आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल का पूरा लिंक मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये आर्टिकल में क्या बोला है, तो ये जो मैंने आगे आपको बताया वही बोला है कि मोर देन 90% यूएसए के जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो पास 10, 20 या 30 years में जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसको बीट करने में नाकाम रहे हैं, और इंडेक्स फंड है वो तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट इंडेक्स के जितना ही रिटर्न देता है। अगर इंडेक्स 10% CAGR देता है तो ये 9.5% 9.8% तक CAGR दे देता है, मतलब क्लोजली उसको ट्रैक करता है इंडेक्स को। तो मिस्टर धीरेंद्र कुमार ने यहाँ पे एक बहुत ही मीनिंगफुल बात बताई है कि उनके कहने के हिसाब से बात ऐसी है, ये इंडिया के लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हैं। धीरेंद्र कुमार का मानना ऐसा है, ये जो कि वो बहुत ही बड़े म्यूचुअल फंड के वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन जो .com है म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसी उसके CEO है, और मैं इनको बहुत ही एडमायर करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लार्ज कैप फंड जो होते हैं इंडिया के अंदर वो ओवरऑल जो एक्टिवली जो इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में जो है परफॉर्मेंस उसका रिड्यूस होता जा रहा है। क्योंकि कैसा है कि अगर लार्ज कैप फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो 2.5% ले लेते हैं तो बेसिकली उसको जो अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स है सपोज सेंसेक्स है तो उससे भी 2.5% तो एक्चुअली मैच करने के लिए रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रिटर्न अगर वो जनरेट करेंगे तो इन्वेस्टर को इंडेक्स से ऊपर फायदा होगा। तो अभी इनका मानना ऐसा है कि इंडिया के अंदर टॉप 150 या 60 ही लार्ज कैप स्टॉक है, तो ये इतना स्मॉल यूनिवर्स है लार्ज कैप स्टॉक का कि इसके अंदर से एक्चुअली स्टॉक सिलेक्शन करके अंडरलाइंग बेंचमार्क को 2.5% एक्सपेंस रेशियो लेके बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उनका मानना है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू एड वैल्यू एंड डिलीवर द एक्स्ट्रा रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। सो एक्स्ट्रा रिटर्न विल कम ओनली बाय एज्यूमिंग एक्स्ट्रा रिस्क।
Some degree of concentration and that may not work out always. It may not work out nicely many a times and that can add great deal of turbulence. तो इनके हिसाब से यही बोलना है कि फ्यूचर के अंदर इंडिया के जो लार्ज कैप फंड्स है अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि वो इंडेक्स फंड से कम परफॉर्म करेंगे ओनली बिकॉज ऑफ इनके 2.5% जो एक्सपेंस जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेरिजन टू इंडेक्स फंड के बारे में. तो यहाँ पर टेक होम मैसेज बेसिकली क्या है, तो आपको एक्चुअली मिड कैप फंड मल्टी कैप फंड सब कुछ छोड़ के इंडेक्स फंड में आ जाना चाहिए ऐसा है. तो ये देखते हैं कि यहाँ पे टेक होम मैसेज आपको ये वीडियो के ये एनालिसिस से क्या है. तो बेसिकली मैं बताऊं कि टेक होम मैसेज सबसे पहला ये है कि जो लार्ज कैप फंड्स है इंडिया के अंदर वो स्लोली स्लोली जो अपना एज है इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में वो कम होता जा रहा है. तो इसीलिए कैसा है कि फ्यूचर में अगर आप आज से 3 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर देखेंगे तो इंडेक्स फंड जो होंगे वो इंडिया के अंदर मोर प्रॉफिटेबल होंगे कंपैरिजन टू लार्ज कैप फंड. क्योंकि कैसा है कि जो इंडेक्स फंड है वो उनका एक्सपेंस रेशियो 4 से 5 times एक तो कम होता है, प्लस कैसा होता है कि उनको एक्चुअली कोई दूसरा अंडरलाइन सेंसेक्स या जो निफ्टी है उसको बीट नहीं करना है, सिर्फ उसका रिटर्न मिरर ही करना है. तो बेसिकली इंडेक्स फंड जो होते हैं वो पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से उनका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बढ़िया आएगा. तो लार्ज कैप फंड की अगर बात करते हैं तो इन द कमिंग ईयर्स इंडेक्स फंड्स इंडिया में बेटर होने वाले हैं परफॉर्मेंस में. इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि मिड कैप फंड्स स्टिल बेटर है इंडेक्स फंड की जगह पर. क्यों? क्योंकि कैसा है कि मिड कैप फंड के अंदर कैसा है कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है स्टॉक का, और आज के डेट में इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो मिड कैप 2.5% अगर आप एक्सपेंस रेशियो देते हैं तो भी एक्चुअली मिड कैप का जो अंडरलाइंग जो इंडेक्स होता है उसको बीट करना वाइड मार्जिन से पॉसिबल है. सपोज अंडरलाइंग इंडेक्स 20% CAGR देता है और आपका 2.5% एक्सपेंस रेशियो है तो भी फंड मैनेजर है वो 25-28% का रिटर्न जनरेट कर सकता है. तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को मिड कैप फंड जो इंडिया के होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने का आज के डेट में फायदा है. तो बेसिकली मिड कैप फंड जो है वो इंडेक्स फंड से बेटर नहीं है. बट एनीवेज हम मिड कैप फंड को इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि इंडेक्स फंड जो है वो बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी के होते हैं तो उसके पीयर कंपेरिजन में लार्ज कैप फंड आएंगे. इसके बाद ऐसा है कि मिस्टर धीरेंद्र कुमार का ऐसा मानना है कि जो कमिंग फ्यूचर जो आएगा तो उसके अंदर जो लार्ज कैप फंड यूजुअली है उसका एक्सपेंस रेशियो इनको डाउन करना पड़ेगा तो ही ये लोग एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न इफेक्टिव दे पाएंगे और वो एक्चुअली मार्केट में रह पाएंगे. तो कमिंग फ्यूचर के अंदर आपको यही देखना हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो है इंडिया के बहुत सारे एक्टिवली मैनेज फंड का वो रिड्यूस होने वाला है. उसके बाद कैसा है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया के कई इंडेक्स फंड्स है जो 51,000 करोड़ की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो ये फंड के अंदर लगा हुआ है और इनका जो एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.1% पर एनम है. अभी मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये फंड कौन सा है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बेस्ट इंडेक्स फंड्स इन इंडिया, ये वीडियो है वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताऊं कि उसके अंदर मैंने ये कौन सा फंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ये फंड है उसका एन्यूअल सिर्फ 0.1% ही एक्सपेंस रेशियो है. तो आप देख सकते हैं कि अगर 2% भी किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो है तो उससे 20 times एक्सपेंस कम हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना फ्यूचर इंडेक्स फंड का ब्राइट है यहाँ पे. ठीक है, अभी इसके बाद कैसा है कि इंडेक्स फंड जो है ये एक टेक होम मैसेज ऐसा है वो इट कैन बी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड. अगर लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड है वो बेसिकली लार्ज कैप फंड के बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव होने वाला है फ्यूचर में. क्योंकि कैसा है कि 2.5% जो एक्सपेंस रेशियो है लार्ज कैप फंड का वो बेसिकली उनको डिफिकल्ट बना देगा फ्यूचर में जो अंडरलाइंग जो लार्ज कैप का जो इंडेक्स है उसको बीट करने में, जबकि इंडेक्स फंड है उसका आप एज लो एज 0.1% एक्सपेंस रेशियो है. तो आप देख सकते हैं कि 25 times कम एक्सपेंस रेशियो होने की वजह से जो इफेक्टिव रिटर्न जो आएंगे वो इंडेक्स फंड के लार्ज कैप फंड की कंपैरिजन में ज़्यादा आएंगे फ्यूचर में, आप ऐसा देखेंगे. अगर ये वीडियो आप ऑलरेडी फ्यूचर में देख रहे हैं आज से 5 साल बाद तो मैं आपको बताऊं कि ये बात सच होगी. ठीक है, तो अभी कैसा है
कि ये यहाँ पे ये मिस्टर धीरेंद्र कुमार है जिनका मैंने आर्टिकल नीचे इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, तो उसका वो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ यू आर एबल टू सेव जस्ट 1.5 लाख रुपीज़ ए ईयर तो आपको बेसिकली ईएलएसएस मतलब टैक्स सेविंग इक्विटी फंड है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फ्यूचर में नेक्स्ट 5 साल के अंदर जो मोस्ट ऑफ द जो फंड हो गए लार्ज कैप फंड वो अंडरलाइंग इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे संजोगों में एक्चुअली सलाह ये होगी कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स को अपना जो पैसा है वो इंडेक्स फंड में मूव कर देना चाहिए और जो कि लो कॉस्ट होते हैं और एक्चुअली पीस ऑफ माइंड मिल जाती है उससे। क्योंकि कैसा है कि आपको इतना एश्योरेंस रहता है कि आपका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क के रिटर्न से मिलता जुलता होगा, नहीं ज़्यादा नहीं कम। मतलब सेंसेक्स अगर आपको नेक्स्ट 15 ईयर्स के दौरान 12 से 15% पर एनम का सीएजीआर देगा तो आपको एक्चुअली शांति से सो सकते हैं कि आपको पता है कि आपका जो फंड है वो सिर्फ 0.1% ही कॉस्ट करता है। और दूसरा क्या है कि आपके जो रिटर्न है वो क्लोजली सेंसेक्स के साथ या तो निफ्टी के साथ या तो निफ्टी जूनियर के साथ ही टाइड अप हो गए, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताऊं कि लार्ज कैप का फंड के ऑल्टरनेटिव में इंडेक्स फंड है वो फ्यूचर में जैसे यूएसए में आज के डेट में इंडेक्स फंड पॉसिबल है और पॉपुलर हो गए हैं लार्ज कैप और एक्टिवली मैनेज फंड के कंपेरिजन में, तो वैसे ही फ्यूचर में इंडिया में भी एक ऐसा टाइम आएगा कि जब जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इन्वेस्टर लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हो गए। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, और अगर आपको कोई कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या तो मुझे पर्सनल ईमेल करके भी भेज सकते हैं। मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, तो आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।